जिला प्रशासन है। बिजली से गढ़वा की जनता इतनी त्राहिमाम हो चुकी है। मैं स्थानीय जिला प्रशासन उपायुक्त के पास हम लोग त्राहिमाम संदेश देने आए हुए हैं। 48 घंटा से बिजली गढ़वा शहर में नहीं है। कभी भी गढ़वा में अगर थोड़ा सा भी पानी गिरता है या हवा चलती है तो दो जगह पोल गिर जाता है। नहीं, गढ़वा जो हमारा टावर तो हर रोज गिरता नहीं है। टावर गिरने की वजह कर ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। बिजली से गढ़वा की जनता इतनी त्राहिमाम हो चुकी है कि विगत 48 घंटे में कभी एक घंटा कभी आधा घंटा लाइट हो रहा है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां बिजली का बिल ऑनलाइन भरा रहा है। एक बार क्लिक करते हैं तो फ्लाइट का टिकट हो जाता है, लेकिन गढ़वा का बिजली अगर आंधी चले तो तार गिर गया, फलाना हो गया, ये हो गया, क्या तरीका है? हम लोग गढ़वा छोड़ दे हम लोग रहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ के उपायुक्त महोदय, यहाँ के मंत्री महोदय, यहाँ के स्थानीय विधायक क्यों चुने हैं हम लोग? यही त्राहिमाम और यही पसीना देख रहे होंगे, चेहरा पे पसीना आ रहा है। हमारे साथ इतने लोग हैं, आज हम अपना दुकान छोड़ के आए हैं, क्या करें? नहीं जिए गढ़वा में, यही चाह रहे हैं सब कोई। हम लोग आए हुए हैं, अभी 48 घंटा से बिजली का स्थिति बहुत बद से बदतर स्थिति है। कल मैं रात में बिजली ऑफिस गया था, वहां पर बिजली के कर्मी बोलते हैं कि 3 मेगावाट मात्र बिजली मिल रही है। तो मैं स्थानीय मंत्री विधायक और उनके सरकार से मांग करता हूं कि बिजली का कोटा बढ़ाया जाए, आम जनता को राहत दिया जाए। और जिस तरह से सरकार लोक लुभावन वादे करके जनता को वोट लेने का काम किया, वो सारा फेल हो गया। स्थिति इनका यह कहीं नहीं है, सिर्फ इनको वोट लेना था, अपना ठेकेदारी चलाना था, अपना माल भरना था, जनता चल जाए तेल लेने, इनका यही स्थिति बना हुआ है। यह सरकार हर मोर्चा पर फेल है। स्थानीय विधायक पूरी तरह से निष्क्रिय है, वह रांची में है, किसी प्रकार का कोई सुध नहीं ले रहे हैं। मैं स्थानीय जिला प्रशासन उपायुक्त के पास हम लोग त्राहिमाम संदेश देने आए हुए हैं कि अविलंब हम लोग को लाइन बिजली उपलब्ध कराया जाए, बिजली पानी मुहैया कराइए, नहीं तो आने वाला समय में हम लोग इनको समय देंगे, हम लोग चक्का जाम करेंगे, आजीवन रोड बंद करेंगे और दुकान का चाबी जमा कराएंगे। टावर गिरने के चलते लाइन नहीं आ रही है। टावर आज 22 दिन से टावर गिरा हुआ है, एक महीना हो गया, लेकिन टावर 22 दिन में खड़ा हो जाता है, लेकिन आज फुटिंग हो रहा है, 10 दिन काम बंद हो जा रहा है। केंद्र की सरकार ने इतनी बड़ी योजना की, इन्होंने भागो ग्रिड का इन्होंने अपना श्रेय लिया, लेकिन आज वही 2 टावर अगर गिर गया तो आप श्रेय लीजिए ना उसको बनवा के, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने जाना है। यह केंद्र पर सिर्फ माथा फोड़ने का और फुटबॉल करने का काम करेंगे, अपने कुछ नहीं करेंगे। जनता और आम आवाम की बुनियादी सुविधा से वंचित करने का काम इस निकम्मी सरकार कर रही है। पानी, बिना पानी के बिना जीवन अधूरा है। कोई भी घरेलू महिला हो, कामकाजी पुरुष हो, स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियां हो, पानी के बिना जीवन अधूरा है। पानी कैसे मिलेगा कि जब बिजली आएगा तो ही पानी मिलेगा। बिजली नहीं है आज, 48 घंटा से बिजली गढ़वा शहर में नहीं है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, छोटा छोटा गली से बसा हुआ गढ़वा हमारा शहर है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हो जा रहे हैं, लोगों का तबीयत खराब हो जा रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। जिला प्रशासन चाहे नगर परिषद हो चाहे बिजली विभाग हो, सिर्फ पैसा वसूलने काम करती है। ये सरकार वसूली वाली सरकार है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए, होल्डिंग टैक्स का पैसा चाहिए, बिजली बिल का पैसा चाहिए और कितने प्रकार के टैक्स का पैसा चाहिए, लेकिन सुविधा नदारद है। जो बुनियादी सुविधा मिलने चाहिए शहरवासियों को, नगरवासियों को, वो सुविधा विहीन है। और बात करते हैं कि बिजली दे दी बिजली, ये हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कि बिजली हम लोगों ने दिया, 2 टावर गिरा है, आज 22 दिन हो गया है वो टावर नहीं गाड़ने पा रहे हैं। ये रघुवर दास की सरकार का दिन है कि भागो डिग्री ग्रीड आज बन के तैयार खड़ा है, वहां से बिजली मिल रही थी, लेकिन 2 टावर गिरने से वो 2 टावर खड़ा नहीं करने पा रहे हैं। और बात करते हैं बिजली दिलाने की, 2 टावर खड़ा करवाए और गढ़वा को निर्बाध रूप से बिजली दिलवाए। अब ये 2024 चल रहा है, गढ़वा की जनता और दुकानदार दुकान बंद नहीं करेंगे। अब दुकान बंद होगा, डीसी का ऑफिस में ताला लगेगा, बिजली ऑफिस में ताला लगेगा और नगर परिषद में ताला लगेगा, दुकानदार दुकान बंद नहीं करेगा। तो पावर क्राइसिस हमारा बन गया। अभी हम लाइन ले रहे थे गढ़वा टाउन को बी मोड ग्रिड से, और बी मोड की लाइन आती है सोननगर बिहार से, और दूसरा सोर्सेस हमारा है रिहंद यूपी से। परसों रोज हमारा एक जपला के पास में कंडक्टर जो है स्नैप कर गया, यानी टूट गया, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आज 2 घंटे तक चालू होने की उम्मीद है, और उसके वजह कर हमारा पावर जो है शहर में डिस्टर्ब हुआ। दूसरा सोर्सेज जो रिहंद है वो कल रात से बंद था, अभी हमको 11 बजे के आसपास रिस्टोर हुआ है, उसे हम बिजली जो है कुछ फीडर में चालू की।
नहीं गड़बड़ वो हमारा टावर तो हर रोज गिरता नहीं है, टावर गिरने की वजह करिए सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। अगर बिजली विभाग चाहे तो सर करकोमा तक आपका में आया तो वहाँ से नहीं व्यवस्था कर सकते? हाँ करकोमा से भागोडी से जुड़ा हुआ है ये सही है, लेकिन क्योंकि भागोडी और करकोमा के बीच में हमारा वो सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने तैयार किया है, डीएफपी तैयार किया है, उसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा, उसके लिए हमको कम से कम 350 रेल पोल चाहिए और हाई क्वालिटी का कंडक्टर चाहिए, हमने बोर्ड में लिखा है इसके लिए, उस पर भी काम होगा। भागोडी वाली जो है अभी पाइल फाउंडेशन जहाँ टावर गिरा है मेढ़ना और मेढ़ना के अपोजिट साइड में पुल में, उसमें पाइल फाउंडेशन हो गया है और इसको हम लोग टारगेट रखे हुए हैं 10 जुलाई तक, हो सकता है पहले भी हम लोग चालू कर दें, काम जारी हुआ। गढ़वा शहर की बिजली की आपूर्ति टावर बनने तक जो है वैसा ही रहेगा और बनने की जो संभावना है वो जल्दी हो जाएगी, हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं। 10 जुलाई समन्वय आने का हमारा ये तात्पर्य यह है कि आज गढ़वा का स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया है। गढ़वा का स्थिति खराब इसलिए है कि 2-3 दिन से हम लोग लाइट का दर्शन ही नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ना पानी घर में है और पंखा चल नहीं रहा है, पानी की वजह से आप छत पे सो नहीं सकते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग का तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं होने की वजह से घर के छोटे छोटे बाल बच्चे आपके जो भी है स्कूल में भी जा रहे हैं, कैसे करेंगे, उनका तबियत खराब हो जा रहा है। लेकिन हमारे नेता का ये आश्वासन आ रहा है कि हम आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी लाइट को ठीक कर दी जाएगी, फिर वो अपडेट कैंसिल हो जा रहा है, फिर 4 घंटे के बाद आ रहा है, फिर 12 घंटे के बाद आ रहा है, लेकिन हमारे पूर्ण रूप से ठीक करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। कभी भी गढ़वा में अगर थोड़ा सा भी पानी गिरता है या हवा चलती है तो 2 जगह पोल गिर जाता है, 3 जगह तार गिर जाता है और हम लोग की स्थिति खराब हो जाती है। हमें यह कहना है कि अगर हम लोग ने चुनाव करके हमारे यहाँ का नेता को चुना है तो क्या इसलिए चुना है कि एक बार लाइट गिरे तो हमारे यहाँ ना पानी ना रहे, ना हमारे यहाँ बिजली रहे, गढ़वा की सड़क की हालत वैसी खराब है, गंदगी वैसी है, क्या ऐसी सरकार के लिए हम लोगों ने इतना हम लोग ने वोट दिया, इतना हम लोगों ने नया चुनाव किया? लेकिन बस इतना ही हम अभी आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार अगर अब हम लोग की जनता के लिए, आम जनता के लिए सुन रहा है तो बस इतना सुने कि हम लोग पानी बिना और बिजली बिना बहुत ज्यादा हम लोग की हालत खराब हो रही है, कृपया करके हम लोग को इस शिप से हम लोग को निकाले और बिजली को ठीक किया जाए। बस यही आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूं हमारे स्थानीय सरकार से, अगर ये कर सकती है तो सरकार के साथ है, नहीं कर सकती है तो हम लोग सारी युवा इस सरकार के साथ अब कभी नहीं देगी, यही हमारा। एलिगेन डेकोर रंका रोड हीरो बाइक शोरूम के निचले फ्लोर पर मेन रोड गढ़वा, यहां हर प्रकार का मॉड्यूलर फर्नीचर उपलब्ध है, जैसे किंग साइज बेड, क्वीन साइज बेड विद स्टोरेज सोफा, सोफा कम बेड, लिविंग रूम, बेड साइड टेबल, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल होलसेल रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें एलिगेंट डेकोर प्रोप्राइटर पंकज गुप्ता।